आज की इस वीडियो में सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे एमएस वर्ड में। अगर आप भी कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करें, वर्ड टाइप करें और एंटर बटन प्रेस कर दें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करें, लेआउट में क्लिक करें, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करें, मार्जिन में क्लिक करके नैरो करना है, साइज़ में क्लिक करके मोर पेपर साइजेस है इसमें क्लिक करें और सेंटीमीटर को 19 सेकंड करेंगे, ओके कर दें। अब इंसर्ट टैब में क्लिक करें, पिक्चर में क्लिक करें और एक फ्रेम को ऐड करेंगे। इस वाले फ्रेम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लीजिए और कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। पिक्चर फॉर्मेट में आ करके यहाँ पे पोजीशन वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करके सेंटर कर देंगे इसे। अब इंसर्ट टैब में क्लिक करें, शेप्स में क्लिक करें, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें। अब आप जिस भी स्कूल या कॉलेज के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हैं उस स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करें। सेप फिल में क्लिक करके नो फिल करें, सेप आउटलाइन में क्लिक करके नो आउटलाइन करें, होम टैब में क्लिक करें, साइज़ को इनक्रीज़ कर लें और यहाँ से फॉन्ट को चेंज करें। जो भी आपको फॉन्ट रखना है वो रख सकते हो और फॉन्ट का साइज़ को थोड़ा सा और इनक्रीज़ कर लेते हैं और इसका जो अलाइनमेंट है इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे। फॉन्ट का साइज़ 45 रख लेना है और इसे कुछ इस तरह से अच्छे से जमा लेना है। इंसर्ट में क्लिक करें, शेप में क्लिक करें और यहाँ से एक ओवल शेप को ऐड करेंगे। शिफ्ट बटन प्रेस करके कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर ड्रॉ होगा। शेप फिल में क्लिक करें, पिक्चर में क्लिक करें और जो भी आप लोगो लगाना चाहते हैं उस लोगो को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे एक लोगो लग गया। अब इंसर्ट में क्लिक करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद शेप्स में क्लिक करेंगे और शेप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पे जो शेप फिल है इसे नो फिल करें, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन करें, होम टैब में क्लिक करें, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लें और अलाइनमेंट को सेंटर करें, फॉन्ट का कलर रेड कलर को सिलेक्ट कर लें। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट में क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दें तो यह डुप्लीकेट बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लेने के बाद स्टूडेंट का जो भी नाम रहेगा उसे लिख लेना है और लिखने के बाद उसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे। फॉन्ट का स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे, आपको जो भी स्टाइल पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जो फॉन्ट का साइज है इसे बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसका जो कलर है इसे ब्लैक कर लेंगे। कुछ इस तरह से सेंटर में रख लेना है इसे। इंसर्ट टैब में क्लिक करें, शेप्स में क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंट द, सिलेक्ट आल करके होम टैब में क्लिक करें और साइज को बड़ा कर लें, अलाइनमेंट को सेंटर कर लें, शेप फिल को नो फिल करें, शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर लें। अब होम टैब में आकर के साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। इंसर्ट टैब में क्लिक करें, शेप में क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करें, यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद जो भी कोर्सेस किया है उसको लिखें, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। होम टैब में क्लिक करेंगे, होम टैब में क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट को सेंटर करें, फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करें, आपको जो भी फॉन्ट रखना है उस फॉन्ट में क्लिक कर दीजिए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। सेप फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, सेप फिल में क्लिक करके नो फिल करें, सेप आउटलाइन में क्लिक करके नो आउटलाइन करें। इंसर्ट टैब में क्लिक करें, शेप्स में क्लिक करें,
टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ नीचे में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें। जिस भी डिवीज़न से पास हुआ रहेगा उस डिवीज़न को यहाँ पे लिख लेना है। सेव फिल में क्लिक करें, नो फिल करें। सेव आउटलाइन में क्लिक करें, नो आउटलाइन करें। होम टैब में क्लिक करें, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना है रख लीजिएगा और फॉन्ट का जो साइज है उसे छोटा करेंगे और सेंटर अलाइन कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उससे नीचे में ड्रैग कर लेना है और डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल डेट और वेरीफाइड बाय। सेव फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो सेव फिल है इसे नो फिल करें, सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन करें। सर्टिफिकेट बन गया, अब इसे सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए फाइल में क्लिक करें। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव बटन दिखेगा, इसमें क्लिक करें। ब्राउज में क्लिक करें, जहाँ पे भी आपको सेव करना है लोकेशन सेलेक्ट करें, फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हैं नाम रखें और यहाँ से सेव कर दें तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है सेव हो जाएगा।